हेलो दोस्तों, तो क्या आप जानते हो कि हमारी दुनिया में एक ऐसा पेड़ है जिस पर डालियां हैं और पत्ते हैं, पर उसके ऊपर एक और पेड़ ग्रो कर गया है लिटरली। और एक ऐसी जगह भी है जहां पर साल के 82 डेज सनलाइट ही नहीं पहुंचता। मतलब कि साल में एक स्पेसिफिक टाइम पर उधर सनलाइट पहुंचता ही नहीं है, मतलब एकदम रात रहता है। तो उधर कुछ ऐसा सेटअप करा जाता है सनरेज को लाने के लिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका चेहरा कुछ इस लड़की की तरह होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने मनी हाइस्ट मूवी तो देखी ही होगी, नेटफ्लिक्स पर जो आई थी वो। उसमें कुछ मेंबर मिलके एक बैंक को रॉबरी करते हैं। तो क्या आप जानते हो, वैसे एक रियल ग्रुप भी था, एक बुड्ढों का ग्रुप, और इनके ग्रुप का टाइटल था ग्रैंडपा गैंग। इनमें से जो सबसे एजिड पर्सन थे उनकी एज थी 76 ईयर ओल्ड। इनको आप देख लो, यही थे ग्रैंडपा ग्रुप के मेंबर। इन्होंने दीवार में कुछ इस तरीके का होल करके, इस तरीके का पैनल बना के करीबन 200 मिलियन वर्थ की चोरी करी थी। मतलब कि 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ नहीं, पूरे 1200 करोड़ की चोरी। मतलब आप सोच सकते हो, कोई बुड्ढा इतना लंबा हाथ मार सकता है? बट हर गैंग की तरह अंत में ये भी पकड़े ही गए। फैक्ट नंबर 13, एनेलोसीमस सेक्सीमस। दोस्तों, ये एक ऐसी स्पाइडर का ग्रुप का नाम है जो करीबन अपनी आबादी में 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर रहती है, और ये ग्रुप में कुछ इस तरीके का फॉर्म करती है। मतलब कि ये पूरे पेड़ को एक कॉलोनी बना के घेर लेती है। ये एक बढ़िया टीम वर्क का एग्जांपल है, और ये दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक है। फैक्ट नंबर 12, बेयाल बेरोडी कसोरजो। दोस्तों, ये वही पेड़ है जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बात कही थी। ये असल में बहुत ही अजीब पेड़ है। ये इटली के अंदर मौजूद है, और इसके जो नीचे वाला पेड़ है वो एक मेलबरी का पेड़ है। मेलबरी ये होता है जो आपके सामने देख रहे हो, ये एक मेलबरी का पेड़ है। और मतलब एक मेलबरी पेड़ के ऊपर मेलबरी का पेड़ ही उगता तो समझ में आता, बट इस केस में मेलबरी के पेड़ के ऊपर चेरी का पेड़ उग गया है, ऊपर वाला चेरी का पेड़ है। ये लिटरली दुनिया के सबसे ऑसम मिस्टीरियस वंडरफुल ट्रीज में से एक है। फैक्ट नंबर 11, द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। इस एकेडमी की एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो हमारे बच्चों के स्कूल्स होते हैं, मतलब कि स्कूल की ओपनिंग टाइम जो होती है वो आफ्टर 8:30 AM होनी चाहिए, बट ज़्यादातर स्कूल की सेम ही टाइमिंग होती है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बच्चों का माइंडसेट होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है एक तरीके से, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनका जो स्ट्रेस होता है वो कम नहीं होता, जिसके चलते बच्चे के लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है उसके ब्रेन पर। मतलब कि ऐसे समझ लो कि उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए 8:30 के बाद शुरू होना चाहिए। मतलब कि कुछ लोग तो कहेंगे कि सुबह जल्दी पढ़ने से अच्छा दिमाग में फिट होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो सही है, बट जब आप ये काम रोज डेली पर्पस पे करोगे तो आपका ब्रेन इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएगा, और उसके लिए ये एक नॉर्मल बात हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना कि आपके लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग को इफेक्ट करेगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी उस पर ये इफेक्ट करेगा। इसीलिए हमारे जो स्कूल होते हैं वो 8:30 के बाद चालू होने चाहिए नॉर्मल डेज में। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने कभी ना कभी आर्चरी के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब जो तीर कमान के मॉडर्न वर्जन होते हैं उनको आर्चरी कहते हैं। तो दुनिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आर्चरी का वो है द मैड स्टड्समैन के नाम। मतलब ये आपको जानकर खुशी होगी कि जो तीर कमान का रिकॉर्ड है सबसे दूर मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो एक ऐसे व्यक्ति के नाम है जिसके कोई आर्म्स नहीं है, मतलब बिना हाथों के उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ही इज़ रियली ग्रेट पर्सन। एक तरफ ये हैं जिनके हाथ नहीं है और इन्होंने रिकॉर्ड बना डाला, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, विगानेला इटली। दोस्तों, सर्दियों के कुछ स्पेसिफिक टाइम में यहाँ के पहाड़ों की इतनी ज़्यादा हाइट के चलते यहाँ पर धूप नहीं पहुँचती, तो उधर कुछ ऐसा सेटअप करा जाता है वहाँ पर सनरेज लाने के लिए। धूप इन बड़े बड़े जाइंट मिरर से रिफ्लेक्ट हो करके इस विलेज या फिर टाउन के अंदर आती है।
ये दुनिया के सबसे ऑसम सेटअप्स में से एक है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हर कंपनी अपनी कार के साथ एक ना एक बार कार टेस्टिंग तो जरूर करती है, मतलब उसके ऊपर 3-4 कार चढ़ाकर उसकी हालत को नोटिस करती है कि वो एक्सीडेंट में कैसा परफॉर्म करेगी। इस चीज़ को सेफ्टी रेटिंग कहते हैं, मतलब कंपनी वाले खुद ही उसको तोड़ मरोड़ के देखते हैं। तो इलॉन मस्क सर की एक कंपनी है टेस्ला, और उसका मॉडल है टेस्ला मॉडल एस। इस कार को दुनिया की सबसे हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, मतलब इस कार के ऊपर अगर आप 4 कार भी चढ़ा दोगे ना तो इसका एक बाल वाका नहीं होगा। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट कार है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ओडी कंपनी दुनिया की सबसे फेमस कार कंपनीज में से एक है। तो उन्होंने सन 2015 में एक ऐसा मजाक करा था जिसमें उन्होंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट करा था कि वो अपनी कार के अंदर एक ऐसा इनबिल्ड कुकर लगा के देंगे जिसमें आप चावल पका कर खा सकते हो। सीरियसली? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जो क्लासिक अलार्म क्लॉक होती है उसको आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, चाहे वो कबाड़ में देखा हो या फिर कुछ लोग इसको यूज़ भी करते होंगे। तो इनका मार्केट में 80% तक सेलिंग कम हो चुका है अभी, क्योंकि सब लोग डिजिटल वॉच का यूज़ करते हैं। मतलब कौन इसको यूज़ करे, एकदम टीन का डब्बा टाइप का दिखता है। तो इसी के मुताबिक तो साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट करा है कि कुछ ही सालों में क्लासिक गैजेट जैसे क्लासिक वॉच और क्लासिक अलार्म क्लॉक ये सब विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे दुनिया से और किसी को नहीं मिलेंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अपनी स्क्रीन पर नज़र गड़ा कर देखो, जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं द इनविजिबल ट्री हाउस। ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जनरली आप दो ही कैटेगरी के लोगों को जानते होंगे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग जो चुप चुप रहते हैं और एक्सट्रोवर्ट वो लोग जो दिन भर पैं पैं करते ही रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक मिडिल कैटेगरी भी होती है, इसका नाम होता है एम्बिवर्ट। और ये वो लोग होते हैं जो ना ही ज़्यादा बोलते हैं और ना ही ज़्यादा चुप रहते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों को मिला के एम्बिवर्ट्स बनते हैं। और मेरी गारंटी है हमारे व्यूअर्स में से भी 80% एम्फीबर्ड्स ही होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो अपने बारे में सब कुछ बता दे, और कोई ऐसा भी नहीं होता जो अपने बारे में कुछ नहीं बताए। तो मैक्सिमम लोग एम्फीबर्ड्स ही होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अपनी स्क्रीन पर इस इमेज को देखो, ये बताओ क्या है, कुछ सांप का मुंह टाइप का लग रहा है ना, बट ये असल में एक मॉथ है, मतलब एक इंसेक्ट है। इसका नाम है द एटलस मॉथ। इसके विंग्स पर नेचुरली एक स्नेक का डिज़ाइन बना होता है, और ये अपने शिकारियों को इसको दिखाकर मतलब ये कहना चाहता हो जैसे कि मेरे पास आने की सोचना ही मत, मैं एक स्नेक हूँ। ये हमारे नेचर में एक गजब बहरूपिया मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या आप इसके बारे में जानते हो, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो फैक्ट ये है कि दुनिया की सबसे डेंस सिटी जो है वो है हांगकांग की कोलोन वर्ल्ड सिटी। आप सोच भी नहीं सकते इसमें एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 19,30,000 लोग रहते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 20,00,000 लोग। इसका एग्जाम्पल देने के लिए आप समझ लो कि एक रूम के अंदर पूरे 5 परिवार रहते हो। ओ माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा डेंस। ये दुनिया की सबसे वियर्ड सिटीज़ में से एक है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो किसी कारण से अगर आपके राइट हेमिस्फीयर के अंदर डैमेज हो जाता है तो आपको तरह तरह की बीमारियां होती है, जैसे पेन होना, ब्रेन में शॉक टाइप का लगना और भी बहुत कुछ। तो इसी के बीच में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसमें आपको लगातार जोक मारने की, एक अजीब सी हरकत करने की इच्छा होती है। इसको कहते हैं जोक एडिक्शन, और इसकी टेक्निकल टर्म होती है जोक एडिक्शन इज़ अ कंपल्सिव नीड टू कॉन्स्टेंटली मेक एंड टेल जोक्स। मतलब इस कैटेगरी के लोगों को ज़िंदगी भर जोक मारने की आदत ही पड़ जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो हर 3 दिन में लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।